स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है और सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो एंथ पावर ऑफ आर के साथ है। आपको टाइम पीरियड के साथ रिलेशन बताने हैं, है ना। ये एक रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ जाएगा, जहाँ पे पहले दिया हुआ था क्वेश्चन में फोर्स है इनवर्स में जा रहा है 5/2 नेगेटिव के साथ, यहाँ पर एंथ पूछ लिया गया है ना। तो कंसेप्ट देखते हैं। अगर आपके पास कोई सर्कुलर पाथ है इस तरह की, इस सर्कुलर पाथ पे अगर मैं रेडियस बुला दूं तो ज़्यादा लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे वी बोलते हैं, टेंजेंशियली मास होता है, और यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका सबसे फेमस फॉर्मूला होता है mv² / r। एक फॉर्मूला और होता है एम ओमेगा वी लिखते हैं, और एक और फार्मूला होता है m ω² r। क्योंकि यहाँ वी वगैरह तो है नहीं, तो इन दोनों को यूज़ ना करके अपन इसे यूज़ करेंगे, राइट। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर जा रहा है बच्चों? लीनियरली ओमेगा स्क्वायर और आर पे। और अभी वाले क्वेश्चन ने बोला है कि यही जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r^n, और यही फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल है ऊपर वाले के हिसाब से ω² r। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1/r, इधर आएगा तो बन जाएगा बच्चों पावर में है n+1 प्रोपोर्शनैलिटी के साथ। ओमेगा का स्क्वायर का मतलब होता है 2π/t, दैट विल बी सिंपली 4π² / t². ये क्लियर है बच्चों? इसको रीअरेंज कर लो, और ये कांस्टेंट है, फिर से हटा दो इसको, तो t का स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल जा रहा है r^n+1, और ऑप्शन से मैच करोगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। t डिपेंड करता दिख रहा है r, ये हो जाएगा n+1, और बच्चों इसका होल डिवाइड बाय 2 है, और अपने पास ऑप्शन सेकंड सही लग रहा है, टी प्रोपोर्शनल टू r^n+1/2, है ना। यहाँ पे ये फॉर्मूला चूज करना है, यहाँ ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी को अपन ने स्टेप बाय स्टेप इस तरह सॉल्व कर दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में काउंट कर लो, ठीक है। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।